अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रेहान खुर्शीद, योर मैथ्स टीचर। टुडे वी विल सॉल्व फोर्थ थ्योरम ऑफ क्लास नाइन्थ, यूनिट नंबर 12, लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। हियर वी हैव थ्योरम नंबर 4। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। जो एक हमारे पास एंगल होता है उसके हमेशा दो आर्म्स होते हैं जिनके दरमियान वो बनता है, ठीक है। अब ये एक एंगल है, अगर तो ये इसका फर्स्ट आर्म है और ये इसका सेकंड आर्म है, ठीक है। तो ये इसके दो आर्म्स हुए, ठीक है। तो अब कहते हैं कि इस एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट करेगी वो ये लाइन है हमारी, हमने ये एक बना लिया। अब इस लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट कहीं भी यहाँ भी रखा जाए तो उसका ये वाले आर्म से फासला और ये दूसरा आर्म जो है इस आर्म से भी फासला उतना ही होगा जितना इसका पहले वाले आर्म से है। मतलब कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में तकसीम करे, तो अब इसके ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, चाहे वो पॉइंट यहाँ ले लिया जाए, उसका जब हम फासला निकालेंगे इस ओ बी आर्म की तरफ तो वो भी उतना फासला निकलेगा जितना ओ ए आर्म की तरफ निकलेगा। देखने में फिगर में शायद आपको लग रहा हो कि नहीं ये ज़्यादा है और ये कम है, लेकिन एक्चुअल में जब एंगल बनाया जाए और उसका बाइसेक्टर बनाया जाए तो फासला हमेशा बराबर आता है। ये तो हमने विदाउट कंपास ड्रा किया है ना, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ सकता है। तो इसमें कोई मतलब मामला जो है वो गड़बड़ नहीं होता, आप इसको ऐसे ही स्केल की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, ए पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम द राइट बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। एक पॉइंट पी है वो ओ एम के ऊपर है, ओ एम, यहाँ पर एम लिख लेते हैं, ये हमारा एम है पॉइंट ओ एम। अब ये ओ एम क्या है, हमारा राइट बाई सेक्टर है, द बाई सेक्टर है किसका, सिर्फ बाई सेक्टर है, राइट बाई सेक्टर नहीं है, ये बाई सेक्टर है एंगल ए ओ बी का, एंगल है हमारा ए ओ बी, इस एंगल ए ओ बी का राइट बाई सेक्टर है हमारे पास ओ एम, ठीक है। अब इस ओ एम के ऊपर एक पॉइंट पी है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि अगर पी का हम परपेंडिकुलर फासला ओ बी से निकालें, यानी कि पी क्यू फासला, ये पॉइंट का नाम हमने क्यू दे दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक के फासले को हम पी क्यू बोलेंगे, और इसी तरह पी का ये आर से फासला, यानी कि पी का आर्म ओ ए से फासला, ओ ए आर्म जो है एंगल का उससे फासला, ये दोनों बराबर हैं, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हमने क्या चीज़ मतलब इसके प्रूव करनी है कि पी क्यू यानी कि ये वाला डिस्टेंस बराबर है पी आर, मतलब इस डिस्टेंस के। तो वही बात हो गई कि पॉइंट पी का फासला ओ ए से उतना ही है जितना पॉइंट पी का फासला ओ बी से है, ठीक है। तो ये आपने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रा करेंगे, फिर ड्रा पी आर, हम एक पी आर बनाएंगे, पी आर एक लाइन डॉटेड फॉर्म में, कंस्ट्रक्शन डॉटेड फॉर्म में होती है, तो पी आर एक हमने लाइन बनानी है जो परपेंडिकुलर हो ओ ए के साथ, यानी कि पी से सीधी लाइन ऐसी लेके जानी है जो ओ ए लाइन के साथ 90 डिग्री बनाए, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये पी पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो इस तरह भी तो ए की तरफ जा सकती थी या इस तरह भी तो इस तरफ आ सकती थी, लेकिन ये बिल्कुल सीधी क्यों है, क्योंकि हमने इसको इस तरह मिलाना है ओ ए लाइन के साथ कि यहाँ पर हमारे पास एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो, और इसी तरह दूसरी तरफ भी है, हमने क्या करना है, एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी, एक पी क्यू लाइन बनानी है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो ओ बी के। तो ओ बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। इधर से आप पी से लाइन इधर ला के क्यों नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि आपने बिल्कुल 90 डिग्री पे आना है तो वो बिल्कुल सीधा होगा। तो अब क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट्स देते जाते हैं और उनके रीज़न बताते जाते हैं। बहुत ईजी थ्योरम है ये, और पेपर में भी बहुत दफ़ा ये आ जाता है। स्टेटमेंट सबसे पहले हम क्या देंगे कि इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, अब दो ट्राइंगल हमारे पास बन गई हैं, एक पी ओ क्यू और दूसरी पी ओ आर। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू 1-1 करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल पी ओ आर,
ट्राइंगल पी ओ क्यू और पी ओ आर के दरमियान 1:1 कोरेस्पोंडेंस पाया जाता है, ये हमने स्टेटमेंट दी है। अब हम उसकी मज़ीद वजाहत करने वाले हैं और उसके साथ साथ रीज़न बताने वाले हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि ओ पी इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। तो वाकई ऐसी बात है, जो पी ओ क्यू साइड है उसकी एक साइड है पी ओ क्यू, दूसरी है ओ क्यू और तीसरी है पी क्यू। इसी तरह पी ओ आर वाली जो इस तरफ वाली ट्राइंगल है उसमें भी एक साइड है पी ओ, एक पी आर और एक आर ओ या ओ आर, जैसे भी बोल लें आप। तो दोनों में एक कॉमन आई पी ओ, मतलब ये साइड तो दोनों की एक जैसी है, तो इसका मतलब ये तो 100% सेम होगी, तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी आ जाएगी कॉमन। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ओ। ये एंगल जो हमारे पास पी आर ओ है, ठीक है, और एंगल हमारे पास पी क्यू ओ है, ये बराबर है। क्यों? हमने दोनों 90 डिग्रीज बनाए हैं। यहाँ पे भी जब हमने कंस्ट्रक्शन ड्रा की थी तो परपेंडिकुलर लाइन ली थी, तो यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। दोनों ट्राइंगल्स की के जो करस्पोंडेंस एंगल हैं वो आपस में इक्वल है। तो ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर लिख देंगे रीज़न में कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये बात प्रूव हुई है। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ गिवन थी कि एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बराबर है एंगल पी ओ आर के। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर था तो इसने इस एंगल के दो हिस्से किए थे, दोनों बराबर थे। अब ये बराबर के लिए ये छोटी छोटी सी दो एक लाइंस भी हम लगा लेते हैं, तो ये दो छोटी लाइंस शो करवा रही हैं कि एंगल, ये हमारे पास जो एंगल है पी ओ क्यू, ठीक है, ये बराबर है एंगल पी ओ आर के, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन हो गई। अब हमने तीन चीज़ें जो है वो प्रूव की हैं, दो साइड्स पी ओ पी ओ इनकी कॉमन साइड थी वो हमने प्रूव की है, और उसके बाद हमने दो एंगल प्रूव किए हैं, एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रंट है एंगल पी आर ओ, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रंट है, और लास्ट में हमने इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रंट प्रूव किया बताया है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स आपस में 1:1 कोरेस्पोंडेंस का रिलेशन भी रखती हैं और ये आपस में कॉन्ग्रंट भी हैं। तो कॉन्ग्रंट हैं तो किस लिहाज से हैं, साइड एंगल एंगल के लिहाज से, मतलब एक साइड इनकी कॉन्ग्रंट है आपस में और दो एंगल्स कॉन्ग्रंट हैं, तो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रंट होंगी। तो इससे ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि पी क्यू का कॉन्ग्रंट है पी आर के, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रंट हैं तो अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी ये पी क्यू और पी आर, तो ये भी बराबर होंगी। एक ट्राइंगल जो कॉन्ग्रंट हो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो होते हैं ये सारे इक्वल होते हैं। शुक्रिया।